you <laughs> चैनल आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे सुरक्षित होंगे और बहुत ही खुश होंगे तो फ्रेंड्स आज दिन है संडे संडे और संदे, मतलब बाकी सबकी तो छुट्टी होती है और हम हाउस वाइफ की होती है तो संडे काफी रिलैक्स सुबह कोई जल्दी नहीं होती है और आराम से देर तक सोकर उठते हैं बच्चे और उसके बाद आज बनाना है मुझे इडली और साथ में डोसा तो मेरे साथ अक्सर ही ऐसा हो जाता है दोनों बच्चों की अलग अलग फरमाइश होती है एक उत्तर और एक दक्षिण दोनों की ही मतलब पसंद एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है अगर एक को इडली खाना है तो दूसरे को डोसा तो मतलब ऐसा ही हो जाता है तो मैंने एक ही बैटर तैयार किया और दोनों से मैं आज इडली और डोसा दोनों बनाऊंगी और सांभर साथ में नारियल और मूंगफली की चटनी तो चलते हैं आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए जो कि एब्सोल्युटली फ्री है चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सांभर बनाने जा रही हूँ सांभर के लिए आधी कटोरी अरहर की दाल को पहले ही कुकर में सीटी लगा कर तीन से चार सीटी लगा लिया था मैंने दाल बना ली है तो दाल बना लिए तो काम थोड़ा हल्का हो जाता है बाकी तैयारियाँ प्रिपरेशन मैंने कर ली सब्जियाँ काट ली थी और यहाँ सांभर में मैं जा रही हूँ एक ही साथ छौका लगा आज बनाऊँगी तो एक चम्मच सरसों का तेल गर्म करके उसमें डाल दिया था एक चौथाई चम्मच राई साथ एक सूखी लाल मिर्च और कुछ करी पत्ते और यहाँ पर एक प्याज एक बड़ा प्याज काट लिया था बारीक बारीक टुकड़ों में उसे डाल दिया है और प्याज को लगातार चलाते हुए मैं हल्का गुलाबी फ्राई कर लिया है मैंने यहाँ पर कभी कभी क्या होता है ना कि मैं मतलब सब्जियाँ पहले दाल में पकाल कर फिर दोबारा सांभर में छौका लगाती हूँ पर आज मैं इस तरह से दाल मैंने पहले ही बना ली थी क्योंकि आज गुप्ता जी को जल्दी जाना था और फिर उन्होंने वही पराठा और चाय उनको सुबह नाश्ते में दे दिया था और उनके जाने के बाद आज बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट और आज लंच भी यही होगा तो ब्रेकफास्ट प्लस लंच ये आज मैं उनके लिए तैयार कर रही हूँ और गुप्ता जी के लिए रख दूँगी वो शाम को आएंगे, तब उनके लिए मैं गरम गरम बना दूँगी सांभर तो बना लूँगी साथ में ही और इडली और डोसा उनके लिए गरम बना दूँगी तो इस तरह प्याज फ्राई हो गए थे तो सब्जियाँ मैंने यहाँ पर आधी लौकी ले ली थी और आधा गाजर और ए दो छोटे प्याज थे जिसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट दिया था और साथ ही मैंने ले, ले थे बीन्स कुछ बीन्स बारी बारी काट लिया था और उसे भी यहाँ डाल दिया है और प्याज के साथ इसे भी मैंने दो से तीन मिनट फ्राई कर लिया है अक्सर क्या होता है ना सांभर वाले प्याज जो होते हैं छोटे वाले वो डालते हैं तो वो मुझे मिले नहीं तो मैंने छोटे प्याज को इस तरह से डाल दिया है और यहीं पर सांभर मसाला एक पैकेट छोटा वाला पैकेट था जो टेन रुपीज़ में आता है वो पैकेट मैंने लिया था और वो यहाँ पर एक पूरा पैकेट डाल दिया है सांभर का पहले प्याज के साथ सब्जी को मैंने दो से तीन मिनट फ्राई कर लिया था और उसके बाद मसाले डाल दिए हैं और यहाँ पर दाल पकते समय उसमें हल्दी और नमक नहीं डाला था तो यहाँ पर मैंने डाल दी हल्दी थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च तीखी लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ मैं क्योंकि सांभर मसाले मिर्च है और सांभर ना ज़्यादा तीखे पसंद नहीं करते बच्चे और यहीं पर डाल दिया नमक स्वादानुसार और अब इसे भी एक से डेढ़ मिनट इसी तरह चलाते हुए मसालों के साथ मैंने भून लिया है और एक बड़ा टमाटर काट लिया था बारीक बारीक उसे भी यहाँ डाल दिया है अब टमाटरों के साथ भी हम इसे डेढ़ से दो मिनट भून लेंगे ऐसे टमाटर भी हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और यहीं पे एक से दो चम्मच पानी डालकर इसे मैं लो फ्लेम पर ही ढक दूंगी जिससे सब्जियां मेरी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी साथ में टमाटर भी और मसाले भी अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे और मैंने साथ ही में हींग भी डाल दी थी और सांभर भी ना बहुत टेस्टी बनकर इस तरह से तैयार हो जाता सब्जियाँ एट्टी परसेंट कुक भी हो गई हैं मेरी ये देखिए करीब से दो से तीन मिनट हो गए लो फ्लेम पर और सब्जियां अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं तो यहीं पर दाल मैंने अच्छी तरह से कच्छी से इस तरह से मैश कर दिया और उसे भी यहाँ पर पलट दिया है कढ़ाई में और इसे सब्जियों के साथ मिला दिया है मैंने और आवश्यकता अनुसार यहीं पर मैंने पानी डाल दिया है तो सांभर ज़्यादा थिक पसंद नहीं आता है थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है एकदम पतला भी नहीं मतलब मीडियम कंसिस्टेंसी इसकी होती है तो सांभर पीने में अच्छा लगता है तो बस यहाँ पर मैंने लगभग डेढ़ ग्लास पानी डाल दिया क्योंकि अभी इसे लो फ्लेम पर मैं आठ से दस मिनट इसे अच्छी तरह से पकने दूंगी क्योंकि जितना ही दाल के साथ सब्जियां पकेंगी इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है और यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा गुड़ का डाल दिया है तो ये आज सांभर बन रहा है बिना इमली के इमली का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर और यहाँ पर फ्रेश कोकोनट ले लिया था उसे इस तरह से कद्दूकस कर लिया है और इस तरह से ले ली है आधी कटोरी मूंगफली के दानों को रोस्ट करके छिलके उतार लिए हैं जितने छिलके उतरे हैं उतने मैंने उतारे हैं ज़्यादा उससे कोशिश नहीं कि हल्के फुलके रह गए कोई बात नहीं चटनी में इतना इसका टेस्ट फ़र्क नहीं पड़ता और बहुत ही अच्छा लगता है तो साथ ही तीन से चार हरी मिर्ची ले ली एक छोटा अदरक का टुकड़ा और तीन से चार लहसुन की कनिया और नमक डालकर साथ ही में डाल दी आधा चम्मच चीनी और चीनी डालने से ना आज चटनी का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग हो गया है बहुत ही टेस्टी और इडली के साथ इडली सांभर के साथ चटनी पीने में ना बड़ी अच्छी लग रही थी आज तो बस थोड़ा सा पानी डालकर इसका भी स्मूथ पेस्ट बना लिया है मैंने और चटनी तैयार हो गई सांभर एक इस रहा है बस अब बनाऊंगी इडली यहाँ देखिए सांभर में एक अच्छा सा उबाल आ चुका है अब यहीं पर इसे ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे आठ से दस मिनट पकने दूंगी और हाँ इडली का बैटर ये अच्छी तरह परमेंट हो चुका है इसे कल रात को मैंने पीसा था और इसकी वीडियो आप लोग के साथ शेयर की थी मैंने तो इसमें नमक डाल दिया है मैंने और इतना बैटर मैंने अलग कर दिया जिसका मैं बनाऊंगी डोसा और इतनी बैटर का मैं बना लूँगी इडली तो डोसा वाला बैटर ढककर मैं एक साइड में रख दे रही हूँ अभी फ़िलहाल कि पहले मैं इडली रखूँगी अब सांभर का जो Uh, कढ़ाई उसे मैंने दूसरे गैस पे रख दिया दूसरे चूल्हे पर और यहाँ पतीले में ना इस तरह से पानी गर्म कर लिया है क्योंकि मेरे पास इस इडली का कुकर नहीं इस तरह का स्टैंड है मेरे पास और उसे अच्छी तरह से तेल लगा कर ग्रीस कर लिया मैंने अब यहाँ पर इडली का बैटर इडली के इस तरह से साँचों में मैंने डाल दिया है एक कड़छी और आटा बहुत ही अच्छी तरह फर्मेंट हो गया था ये बहुत ही अच्छी सॉफ्ट और स्पंजी इडली बनकर तैयार हुई है आज और इडली के बैटर की रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ पहले अपने वीडियो में शेयर की है और इस तरह से इसे ढककर अब मैं आठ से दस मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर स्टीम कर लूंगी और यहाँ सांबर भी अच्छी तरह पक चुके हैं मेरे देखिए कितना अच्छा मतलब बहुत बढ़िया कलर आया है सांभर सांबर का ये देखिए तो सांभर भी रेडी है चटनी तैयार है और यहाँ पर ना सुबह के चाय के बर्तन और जो सांभर बनाने के लिए दाल वगैरह इस्तेमाल की थी सब बर्तन सिंक भर चुका था तो अब वो जब तक इडली और सांभर गैस पे हो रहे हैं तब तक मैंने सोचा चलो तो बर्तन धो लिए जाएँ चाहे बर्तन भी धोकर हटा दिए मैंने तो साथ के साथ काम हो जाते ना तो थोड़ा हल्का अपन महसूस होता है और यहाँ देखिए इडली पक चुकी थी तो अब जा रही हूँ मैं चटनी में तड़का लगाने तो इडली के को स्टैंड से बाहर निकाल दिया थोड़ी ठंडी होने के लिए और ठंडे होने के बाद ना साँचों से आराम से इडली निकल जाती है तो एक चम्मच यहाँ पर तेल गरम कर लिया था जिसमें राई डाल दी एक चौथाई चम्मच और राई चटक चुकी थी तो तेल काफ़ी गर्म था तो मैंने गैस का फ्लेम कर दिया बंद उसमें डाल दिए करी पत्ते और करी पत्ते डालने के बाद इसमें डाल दिए एक चौथाई चम्मच से भी कम कश्मीरी लाल मिर्च इससे चटनी में ना कलर थोड़ा अच्छा आ जाता है और यहीं पर चटनी में लगा दिया है तड़का तो बस नारियल और मूंगफली की चटनी भी मेरी रेडी है और चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी और इडली के और सांभर के साथ ऊपर से चटनी डालकर खाओ ना बहुत ही टेस्ट इसका अमेजिंग आ रहा था आज और सांभर भी पूरी तरह से रेडी हो चुका है मेरा और सब्जियां अच्छी तरह से गल गई थी तो यहाँ अब मैं इडली सर्व कर रही हूँ क्योंकि इडली थोड़ी गरम गरम है और नाश्ता जब रेडी हो जाता है ना थोड़ा गरम खाने में ही अच्छा लगता है बाद में तो ठंडी हो जाती है तो फिर दोबारा मतलब गरम करना पड़ जाता है और गरम गरम ही नाश्ता करो तो ज़्यादा टेस्टी लगता है और बच्चे आराम से खाते हैं इन्जॉय भी करते हैं और मुझे लगता है बड़े या बच्चे सभी को गर्म गर्म ही ब्रेकफास्ट हो या लंच या डिन गर्म ही खाने में अच्छा लगता है तो यहाँ प्लेट में रख दी इडली साथ में चटनी और ये सांभर तो चलिए साथ में इडली सांभर और चटनी का ब्रेकफास्ट करते हैं और कैसी लगी रेसिपी प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताइए ये देखिए बहुत सॉफ्ट इडली है मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ आपको ये देखिए बहुत ही अच्छी बनकर और यहाँ पर अब डोसा बनाने जा रही हूँ मैं तो, तो नॉन स्टिक तवे को इस तरह गैस पर रख दिया था तेल से ग्रीस कर दिया था और उसके बाद पानी के छीटे लगाकर उसे पोच दिया और इस तरह से एक करछी भरकर ये बैटर मैंने डाल दिया और इसे इस तरह से फैला दिया है जो डोसे का बैटर लिया था ना मैंने उसमें थोड़ा पानी डालकर उसे पतला कर लिया था और डोसा बनाते समय गैस की फ्लेम हमेशा मीडियम टू हाई रखें आ, क्योंकि इससे डोसे अच्छे बनते हैं इस तरह से एक तरफ जब उसका कलर चेंज हो गया था तो मैंने इस तरफ ऊपर से हल्का सा तेल डाल दिया था और ये जब पक गया ना तो अपने आप ही तभी से अलग हो मतलब अलग हो गया था इससे ज़्यादा मतलब निकालना नहीं पड़ा मुझे और ये देखिए दु, अब दूसरा भी डोसा डोसा बनते जाता है ना तो बस दोनों की फरमाइश थी कि बस एक की प्लेट खाली होती है दूसरे की प्लेट में डालना होता मुझे तो इस तरह से एक डोसा बन गया था अब दूसरा भी रेडी कर लिया है मैंने बहुत ही क्रिस्पी डोसा बना हुआ था आज का ये और अक्सर क्या होता है डोसा बनाओ तो मसाला डोसा की फरमाइश हो जाती है तो आज मैंने मसाला तैयार नहीं किया डोसे के लिए सिंपल डोसा है प्लेन डोसा ही बना रही हूँ मैं और इडली थोड़ा ज़्यादा बना ली है क्योंकि जो लेफ़्ट ओवर इडली होती है ना फिर उसे फ्राई करके खाओ ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है तो अब थोड़ी सी इडली बना ली मैंने उसे रख दिया है मैंने साइड में अब उसे बाद में मैं फ्राई करूँगी तो उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी आज की वीडियो लंबी हो रही थी तो इसमें वो रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है अरे देखिए बहुत ही क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार हो गया है तो बेटी को तो कैमरे पे आना पसंद नहीं है तो दोनों को नाश्ता दे दिया मैंने बहुत ही क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार हो गया है काफ़ी इन्जॉय किया है लोगों ने तो आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं और अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग